साहब, अच्छा फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी फारूक साहब, आप बोलिए आप जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मेरी आवाज ठीक आ रही है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी, वो आप दावे का जिक्र कर रहे थे, तो कल जब मैं इनकी स्ट्रीम में गया तो मैंने चेक किया कि मौलाना कासिम साहब बड़ी शानदार गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे मुद्दई के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उस तरफ ये आए ही नहीं और आपकी जात पर आते रहे कि जी आपको पता है कि नहीं मुद्दई की तारीफ क्या है, ये है वो है। तो अब ये इनका पुराना तरीका है कि अपने दावे से ये भागना चाहते हैं और जाहिर भी नहीं होने देना चाहते कि हम भाग रहे हैं, और बार बार हंस के ये डॉक्टर रैया साहब कह रहे थे जी हम तो उनकी स्ट्रीम में गए हैं, इसीलिए गए हैं ताकि बात करें, अगर हमने भागना होता तो हम जाते ही क्यों। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, ये वही तिनका था जो उनकी दाढ़ी में सबको नजर आ रहा था कि खुद बार बार उनको जो कहना पड़ रहा है हम उनकी स्ट्रीम में गए हैं, अगर हमने भागना होता तो जाते क्यों। भाई आप गए हैं तो आपने जाकर किया क्या है? अपने दावे से तो आप भाग गए हैं, जो आपकी जमात का दावा है उससे तो आप भाग गए। वो मौलाना कासिम साहब ने बड़ी जबरदस्त मिसाल वहां पर दी कि अगर हम आपसे कहें कि आप मिर्जा साहब को नबी साबित करें, आपका दावा है आप मानते हैं, हम आपको कहें आपको कुरान और हदीस से मिर्जा साहब को नबी साबित करें। अच्छा एक बात पहले रह गई, उन्होंने कहा भी चैलेंज किया है, शमसुद्दीन साहब ने लिखा हुआ है दी चैलेंज, जो चैलेंज करने वाला होता है वो मुद्दई होता है, ये उन्होंने अवामी अंदाज में कहा जी हम समझा रहे हैं। अब मौलाना कासिम साहब ने कहा अगर हम आपको चैलेंज करें कि आप मिर्जा साहब को नबी से मानते हैं तो नबी साबित करें, तो क्या हम इस बात के मुद्दई हो जाएंगे कि जी मिर्जा साहब नबी हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं, जैसा कि आपने पहले अर्ज किया बार बार उनको रिमूव करना और जो हम मलंग मलंगियां बैठी हुई हैं उन सबको जनाब फिट्टे कर रहे हैं, हंस रहे हैं और शेखियां भी गा रहे हैं जी हमने बड़ा मार्का मार लिया है, और मार्का क्या मारा है कि जी बार बार जहां वहां जाके जी शमसुद्दीन साहब को कहा है कि जी आपका दावा है आपका दावा है। और अच्छा एक धड़ल्ले से झूठ बार बार बोला कि जी शमसुद्दीन साहब ने खुद को मुद्दई कहा है, वहां माना है, आपने सुना नहीं? जब मैं गया मुझे भी यही कहा, तो मैं बड़ी तेजी में वो स्पीड तेज करके सुनी थी क्योंकि मैं जरा लेट आया था, तो मुझे मेरे जहन में था कि आपने नहीं ये कहा, लेकिन इतने एतमाद से झूठ बोलते हैं, आपको पता है अगले बंदा शक में पड़ जाता है। मैंने कहा शायद कहा ही हो तो मैं दोबारा सुन लूंगा, कहते आप दोबारा सुने, बार मैंने दोबारा सारी स्ट्रीम सुनी, आपने कहीं भी नहीं कहा कि मैं मुद्दई हूँ। हाँ डॉक्टर अय्या साहब जो पता नहीं पंसार हैं जो भी हैं वो बार बार कहते हैं जी आपका दावा है, ये दावा है आपका, ये फिर पढ़ के सुनाया आपने, कहा भाई मैंने जो चैलेंज भेजा था वो सुनाए, आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, भाई दावे तो हर कई बड़े करते हैं, हमारे भी बड़े दावे होंगे, लेकिन जो मुतलका मौजू है उस पर जो चैलेंज किया है वो आपने सुनाना है, वो आपको भेजा है वो सुनाए, और उसमें मुद्दई कौन है हमने तो ये देखना है, आपको चैलेंज हो रहा है कि आपने साबित करना है, जिसने साबित करना होता है मुद्दई वो होता है और जिसने उसको इस बात को तोड़ना होता है दलील को तोड़ना होता है वो मुद्दा आले होता है, वो साहिल होता है। तो इमरान कासिम साहब ने बड़ी तफसील से वहां बात की थी, तो खुलासा इसका यही है कि डॉक्टर यही साहब जो है जो बड़के मार रहे थे कि हम तो वहां चले गए हैं, तो हाँ हमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है स्ट्रीम से, ये भी अल्फाज थे, हमने जो हासिल करना है स्ट्रीम से वो हासिल कर लिया है। जी फारूक साहब, आपकी आवाज कट गई है। इमरान भाई, आपको आवाज आ रही फारूक साहब की? नहीं जी, मुझे फारूक साहब की आवाज नहीं आ रही सर। चले मैं आपको इसी की एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। कोशिश इन्होंने बड़ी की, बड़ी कोशिश की इन्होंने, 8-10 दफा इन्होंने दावा 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 किया। मुझे पता था कि ये जो कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये जो लफ्ज कह रहे हैं, इनके जहन में ये है कि शमसुद्दीन भी कह दे। देखे, हम तो आपको जानते हैं, हम पहचानते हैं, आप हमारे कजन भी हैं, और फिर कादियानियों की रमजों से तो हम, आपको पता है, बखूबी वाकिफ हैं। तो उमर फारूक साहब, देखिएगा अल्लाह के फजल से, किसी दोस्त का स्पीकर खुला, जरा 1 मिनट बंद कर दें। अच्छा जी, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, मगर इन्होंने जरूर मुझे मुखातिब करके ये कहा कि आपका ये चैलेंज है,
अच्छा, मैंने जब ये दावा कर रहे थे, मैंने वहां लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल किया है। जरा इस वीडियो पे गौर कीजिएगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह इसको कोशिश कर रहे थे दावे की, और कल मैंने इसलिए रोका कि ताकि सब लोग देख लें इनकी दो नंबरी जो है वो सब लोग देख लें, वरना मैं कल ही इनको कह सकता था। मैं किसी हिकमत के तहत खामोश रहा ताकि बार बार ये बात दोहराएं, और फिर हम जब इनसे पूछेंगे, और वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ। चलिए मैं आपको छोटी सी वीडियो सुनाता हूँ, बड़ा बड़े तवज्जो से उसको देखिएगा। कुछ नेट की वजह से मैंने देखा है कि वो जो है वो स्कैन सही नजर नहीं आ रहे, मगर वीडियो इंशाल्लाह ताला ठीक अपन आएगी। मैंने आपके इनबॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा स्कैन लगा के आपको भेजा था कि ये चीजें हैं, वो आपने अच्छी तरह मुतालिया कर लिया, ठीक था वो, उस पे कोई इतराज तो नहीं है आपको? आप इस दावा की बात कर रहे हैं मेरे भाई? ये जो था आपका मैंने जो आपके दावा, इनबॉक्स में भेजा था कि वो जो जमाते अहमदिया को अपने चैलेंज दिया था, वो उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ है द चैलेंज। बस आपने वो देख लिया अच्छी तरह? अच्छा, ये ठहरे ठहरे ठहरे, मैं आपको इसको ना दिखा देता हूँ। ये मैं अपना कैमरा खोलता हूँ, ये ठीक है, जी इसकी बिल्कुल बात ठीक कर है, रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठीक है, मुझे पहले जी, समझ में ये नहीं आया आपने मैं। अच्छा, अब मैं इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ, या आपने पढ़ के सुनाना है? ठीक जैसे दिल करता है आपका। है, ये प्यारे भाइयों, ये शमसुद्दीन साहेब का ये दावा है, ठीक है, क्योंकि शरायत जो है वो शमसुद्दीन साहब को हमने दे दी है। अब दावा जो है शमसुद्दीन साहब का ये है, कहते हैं जमाते अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरानो हदीस से साबित करें के नंबर एक। प्यारे चलिए भाइयों, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शमसुद्दीन साहब का दावा ये है, फरमाते हैं जमाते अहमदिया को खुला चैलेंज है, कुरानो हदीस से साबित करें के नंबर एक यूज आसिफ हजरत ईसा अलैहि सलाम है, नंबर दो हजरत ईसा अलैहि सलाम की कब्र मुबारक श्रीनगर कश्मीर में है, नंबर तीन हजरत ईसा अलैहि सलाम के हकीकी वालिद थे जो बादशाह थे। जी प्यारे भाई, यही आपका चैलेंज था? जी जी बिल्कुल, यही आपने पढ़ लिया है माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा दोस्तों देखिए, इन्होंने कहा यही आपका चैलेंज था, और मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये बार बार ये आपका दावा है, यही आपका दावा है, मगर उस पर मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। वो इसलिए कि मैं कहता था ये बार बार लफ्ज दोहराएं, अगर आप मेरी वो स्ट्रीम पूरी देखे, वो कोई मेरे ख्याल 22 24 मिनट की है, तो उसके अंदर तकरीबन उन्होंने 8 ही दफा या 10 दफा के करीब इस लफ्ज को दोहराया है, मगर मैं खामोश रहा, चूंकि मैं ये जो दो नंबरी थी ना इनकी, ये मैं अवाम की अदालत में पेश करना चाहता था। फिर देखिए, जब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको मैंने स्कैन भेजा है, ठीक है, मैं ये चाहता था कि इनके मुंह से निकले कि ये जो आपने दी चैलेंज लिखा है ये, और मैंने इनके इनबॉक्स के अंदर जो मैंने लगाए थे, तो मैंने बार बार उसको टैग करके नीचे, आपको पता है आजकल एक स्टिकर चल रहा है, तवज्जो फरमाए उंगली का इशारा है, ये मुझे जो बात कहते थे मैं कहता था इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि मुझे इनकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे इनके फ्रॉड जो है बखूबी अंदाजा है, आप लोगों को भी अंदाजा, मैं अपनी बात नहीं करता, हमारे साथ इमरान जट साहब हैं, बाबर भट्ट साहब हैं, तो हमें सबको इनके फ्रॉड पता है, आप लोगों को भी, आप भी जानते हैं जैसे। अच्छा अब मैं दोबारा इसको थोड़ा सा प्ले करता हूं, मैं आपको एक चीज इसमें सुनाना चाहता हूं, तो वो वो सुनिए। जो हमने आपको मैंने आपके इनबॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा स्कैन लगा के आपको भेजा था कि ये चीजें हैं, वो आपने अच्छी तरह मुतालिया कर लिया, ठीक था वो, उस पे कोई इतराज तो नहीं है आपको? आप इस दावा की बात कर रहे हैं मेरे भाई? ये जो था नहीं, ये मैंने जो आप जो आपके था इनमें, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, ये कोई या कोई नेट का इस्लाम जो भी मसला बना, मगर मैंने कहा नहीं, क्योंकि दावा नहीं है मेरा, शम्स भाई, ये और बड़ा दूसरा दबा के कह रहे हैं कि आप उस दावा की बात कर रहे हैं, दावा ये को हाँ बड़ा दबा जी के कह रहे हैं। हाँ जी,